स्थायी सदस्य बनने के लिए ये लाल बटन दबाएं और हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। आज की वीडियो है हमारे इंडियन इंग्लिश राइटर ए.के. रामानुजन के बारे में। ए.के. रामानुजन जो है, इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 को, मैसूर में हुआ था, मैसूर कर्नाटक में है, और इनका जन्म हुआ था एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 को शिकागो USA में। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी सर्जरी के दौरान, इनको एनेस्थीसिया था और एनेस्थीसिया का इनको सर्जरी की जा रही थी, तो उसी दौरान इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 64। ठीक है, इनका फुल नेम था एटीपेट कृष्णस्वामी रामानुजन, कृष्णस्वामी इनके फादर का नाम था। रामानुजन वाज ए पॉइट, वो एक पॉइट थे, स्कॉलर थे, फिलोलॉजिस्ट थे, फिलोलॉजिस्ट का मतलब लिंग्विस्टिक, एक तरह से कह सके भाषाविद थे, फोल्कलोरिस्ट, ट्रांसलेटर एंड प्लेराइट, यानी कि वो कहानी भी लिखते थे, ट्रांसलेटर भी थे, दूसरी लैंग्वेज से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, जैसे कन्नड़ लैंग्वेज से उन्होंने कई चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट की। ठीक है, और उनके फादर का नाम है अट्टिपट असुरी कृष्णस्वामी, जो कौन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक खगोल विज्ञानी थे। इसके अलावा वो मैसूर के जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे। उनके एक भाई थे जिनका नाम था ए.के. श्री निवासन, जो एक पोइट भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। एजुकेशन की बात करें तो इनकी बेसिक एजुकेशन हुई थी हाई स्कूल मैसूर से, और कॉलेज एजुकेशन हुई थी मैसूर यूनिवर्सिटी से। बीए और एमए इन्होंने इंग्लिश से की थी और ये मैसूर यूनिवर्सिटी से ही की थी। शुरुआत में इन्होंने क्या लिया था, मैथमेटिक्स ली थी, लेकिन इनके पिताजी को लगा कि रामानुजन जो हैं वो मैथमेटिक्स को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जोर दिया उनको मैथमेटिक्स से इंग्लिश लेने के लिए, तो इस तरह वो इंग्लिश उन्होंने ली थी। ही परस्यूडेड एक ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था इन्होंने, किसमें, थियोरटिकल लिंग्विस्टिक में, फ्रॉम डेक्कन यूनिवर्सिटी पूना, उस समय इसका नाम पूना था, वर्तमान में पुणे, यहाँ से इन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था लिंग्विस्टिक्स में। ठीक है, इसके बाद ये चले गए थे यूएसए, यूएसए में इन्होंने इंडियाना कॉलेज से, इंडियाना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी लिंग्विस्टिक्स में, और वहाँ पर इनको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिली थी। फुल ब्राइट स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप होती है वो इनको वहाँ पर मिली थी, उसे इनको नवाजा गया था। कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर इनका शुरू हुआ था 1962 में, जब ये यूएसए गए थे, यूएसए गए थे ये इंडियन यूनिवर्सिटी में 1958 के टाइम पर। ठीक है, और 1963 में इनको पीएचडी की डिग्री मिली थी इंडियाना यूनिवर्सिटी से, और उसी दौरान जब ये पीएचडी कर रहे थे तो इनको 1962 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड प्रोफेसर ऑफ ड्रेविडियन स्टडीज़। वहाँ पर इनको लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर के रूप में और ड्रेविडियन स्टडीज़, ड्रेविडियन का मतलब साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उनका, इनको क्या बनाया गया, वहाँ पे प्रोफेसर बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में, क्योंकि इनका कैरियर जो था प्रोफेसर के अलावा एज ए पोएट भी था। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या लिखा वो देखते हैं, कि इन्होंने पहले तो कुछ ट्रांसलेशंस की थी इंग्लिश में, और लिटरेचर की ट्रांसलेशंस की थी, वो क्या क्या थी, पहली थी इनकी इंटीरियर लैंडस्केप, द इंटीरियर लैंडस्केप, लव पोइम्स फ्रॉम ए क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी, यानी कि तमिल लैंग्वेज में कुछ पोइम्स थी, उनका एक कलेक्शन था, उनको इन्होंने इंटीरियर लैंडस्केप के नाम से ट्रांसलेट किया, जिसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था तमिल राइटर्स की एसोसिएशन के द्वारा इन 1969 में, और ये लिखी गई थी 1967 में। इनको इंडो अमेरिकन पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया के हैं और बाद में जाकर के अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकी स्पीकिंग ऑफ सिवा, जो लिखी गई थी 1973 में, लिटरेचर ऑफ इंडिया 1974 में, हिम्स फॉर द ड्राउनिंग 1981 में, पोइम्स ऑफ लव एंड वॉर 1985 में,
फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया, ये लिखी गई थी 1991 में और ये काफ़ी फेमस इनकी राइटिंग थी। फिर इसके बाद था इज़ देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ये इनका 1990 में आया। इसके बाद है व्हेन गॉड इज ए कस्टमर, ये 1994 में। और इसके बाद आता है ए फ्लावरिंग ट्री एंड अदर ओरल टेल्स फ्रॉम इंडिया, ये जो है फ्लावरिंग ट्री जो है ये लोटस के लिए था। और ये जो पोइम आई थी ये 1997 में आई थी। और ये दोनों चीज़ें कब आई थी, उनकी मृत्यु के बाद, मरणोपरांत आई थी, पोस्ट ह्यूमसली आई थी। ठीक है, इन्होंने दो ऐसे भी लिखे थे जिनमें पहला था कलेक्टेड एसेज ऑफ ए के रामानुजन और दूसरा था 300 रामायणाइज 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थाट्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑन ट्रांसलेशन। इनका जो ऐसे है ये रामायण के ऊपर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन इनके सिलेबस, इनके जो ऐसे है इसमें इन्होंने राम और सीता को सिबलिंग्स बताया था, जिससे काफ़ी डिस्प्यूट हुआ वहाँ पे। और 2011 में इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से निकाल दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद आती है इनकी पोइट्री, फिक्सन एंड ड्रामा, इन्होंने क्या क्या पोएम लिखी है, क्या फिक्सन लिखा। तो सबसे पहले इनकी मोस्ट फेमस जो कलेक्शन है वो हैं द स्ट्राइडर्स और रिलेशन। स्ट्राइडर्स आया था 1966 में और रिलेशंस आया था 1971 में। स्ट्राइडर्स की 14 पोइम्स एंड रिलेशंस की 16 पोइम्स, इन दोनों को मिला करके इन्होंने एक कलेक्शन बनाया जिसका नाम दिया गया सिलेक्टेड पोइम्स। और ये सिलेक्टेड पोइम्स जो है इनका नेक्स्ट था 1976 में। इन दोनों में से कुछ पोइम इन्होंने ली थी और ये सिलेक्टेड पोइम्स में इंक्लूड की गई। इन्हीं सिलेक्टेड पॉइंट्स में है हमारी आर रिवर। फिर इसके बाद आता है इनका सेकंड साइड 1986 में। फिर है कलेक्टेड पोइम 1997 में, पोस्ट ह्यूमसली यानी इनके मरणोपरांत ये कलेक्शन आया था, यानी जितनी भी पोइम थी इनको सबको एक जगह कलेक्ट करके इनका एक नया पब्लिकेशन निकाला गया था 1997 में। इसके बाद इनका मोस्ट फेमस नोवेल है संस्कारा, अगर हिंदी में कहें तो संस्कार। तो जो ट्रांसलेशन था वो यू आर अनंत मूर्ति का जो कन्नड़ नोवेल था उसका ये क्या था, ट्रांसलेशन था। और ये 1976 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद एक और कुछ कन्नड़ लैंग्वेज के इनके वर्क्स हैं जो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, वो हैं नो फ्लावर इन द नेवल, कन्नड़ वर्जन जो था इसका उसका नाम है होकुल आली होवीला, जो 1969 में इन्होंने ट्रांसलेट कर किया था नो फ्लावर इन द नेवल के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट है एंड अदर पोइम्स, जिसका कन्नड़ वर्जन नेम था मैटू इटारा पाइडियागलू 1977 में। एंड इसके बाद है हॉपस्कॉच, जिसका नाम था कुंटो बिली। ठीक है, ये इनके कन्नड़ वर्जन थे जिनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इनकी जो अदर फेमस पोइम हैं जो सिलेक्टेड पोइम्स में इंक्लूडेड हैं, उनका नाम है ऑबिचुअरी, जो कि एक सटायरिकल पोएम है ऑन हिज फादर्स डेथ, उनके फादर्स की डेथ के बाद जो ब्राह्मण जो ट्रेडिशन थी उसके अकॉर्डिंग कई सारे सुपरस्टिशंस थे जिनके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी, इसलिए ये एक सटायरिकल पोएम है। इसके बाद है ऑफ मदर्स अमोंग अदर थिंग्स एंड अ लव पोएम फॉर अ वाइफ, अ लव पोएम फॉर ए वाइफ, ये दो वॉल्यूम में लिखी थी, अ लव पोएम फॉर ए वाइफ फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये जो दोनों पोएम हैं मदर्स एंड वाइफ वाली, ये इनकी फीलिंग्स को, इनकी मेमोरीज को एक्सप्रेस करती हैं जो इनके फैमिली के साथ थी, क्योंकि एट द एज ऑफ 30 ही वॉज शिफ्टेड इन USA। तो वहाँ पर इन्होंने ये जब पोएम्स लिखी थी तब ये वहाँ पर इनको मिस करते थे, इनकी मेमोरीज जो थी उनके लिए इन्होंने इनको डेडिकेट की थी। फिर इसके बाद आता आर रिवर, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है और हमारे BA और MA के सिलेबस में हमको देखने को मिल जाती है। स्नेक्स कन्वेंशन ऑफ डिस्पेयर इकोलॉजी ऑन द डेथ ऑफ पोएम, और एक और पोएम है इनकी द ब्लैक हैंड, जो कि पोस्ट ह्यूमसली इनकी पब्लिश हुई थी, लगभग 1998 के करीब हुई थी ये द ब्लैक हैंड। ठीक है, फिर बात आती है इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले थे, जो इनके मुख्य अवार्ड हैं उनमें पहला है पद्मश्री अवार्ड, जो 1976 में इनको दिया गया था। फिर इसके बाद है मैक आर्थर फेलोशिप प्राइज 1983, ये एक प्रकार का एक तरह से कहें तो स्कॉलरशिप होती है, जो 5 साल के लिए दी जाती है। ये जो शुरुआत हुई थी मैक आर्थर फेलोशिप की 1981 में हुई थी, और उस समय $5,00,000 इसमें प्राइज राशि दी जाती थी 5 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, और वर्तमान में इसकी जो है वो $625,000 है।
तो ये एक तरह की स्कॉलरशिप थी जो किसी व्यक्ति को दी जाती थी उसके कार्यों के लिए नहीं बल्कि उसकी सोच के लिए, जो वो उसके कार्य किए जाते थे उनकी उनमें वो और आगे नई नई चीज़ें कर सके, रिसर्च कर सके, इसके लिए ये एक फेलोशिप दी जाती थी। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1999। ये पोस्ट ह्यूमसली इनको मिला था आफ्टर हिज डेथ, और ये मिला था इनको द कलेक्टेड पोइम्स जो इनका 1997 में पब्लिश हुआ था उसके लिए, और इट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम पोस्ट ह्यूमसली, ये मृत्यु के बाद उनको दिया गया था 1999 में। पहला जो साहित्य अकादमी अवार्ड था वो मिला था आर के नारायण को, आप जानते होंगे ये सब। ये मिला था 1960 में, उनका बेल नोन नोवल है द गाइड, उसके लिए उनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और ये पहला अवार्ड था साहित्य अकादमी की तरफ से। फिर बात आती है कि इनकी पोइट्री की थीम क्या है, क्या थीम इन्होंने यूज की, तो इनकी जो पहली थीम है वो है सेटायरिकल एक्सप्रेशन ऑन द सुपरस्टिशंस एंड रॉटन ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन ब्राह्मिक सिस्टम, यानी ब्राह्मण समाज की जो रीति रिवाज और परंपराएं थी, इनके अलावा जो अंधविश्वास थे उन पर एक व्यंग इन्होंने किया था अपनी पोएम के थ्रू। फिर नेक्स्ट है हिज पोइम्स ऑल्सो एक्सप्लोर दी फैमिली रिलेशनशिप लाइक बिटवीन मदर्स एंड सन, फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि जो इनकी पोइम है वो क्या करती हैं, इनकी रिलेशनशिप को शो करती हैं जो इनकी माँ के साथ थी, इनके फादर के साथ थी और इनके वाइफ के साथ थी। तो ऐसी इनकी जो पोइम थी वो सभी क्या हैं, ज़्यादातर फैमिली से रिलेट करती थी। तो दोस्तों यही ए के रामानुजम के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे डाउट इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इन वीडियो को टाइम पर देख सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।